मामला बांदा जनपद शहर से जुड़ी हुई दुरेड़ी खदान का है, जहां से खनन माफियाओं और खनिज अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा है अवैध खनन। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वह नदी का सीना छीलकर पानी के अंदर से बड़ी बड़ी भारी मशीनों द्वारा बालू निकालकर ट्रकों पर ओवरलोड बकायदा जारी किए हुए हैं। इनमें इनका पूरा साथ खनिज अधिकारी दे रहे हैं, क्योंकि खनिज अधिकारी को सारी जानकारी देने के बावजूद भी वह कह देते हैं कि पॉकलैंड और पानी से माल निकालना उनके अधिकार क्षेत्र में है। रेडी, अभी हम यहाँ खनिज जिला खनिज कार्यालय के बाहर खड़े हैं। अभी हमने खनिज अधिकारी से भी बात की, जिसमें से खनिज अधिकारी का कहना है कि मिनी माइग्रेशन के नाम पर मशीन चलाने का आदेश है, लेकिन उस आदेश का हवाला देकर मशीनें, एक मशीन की जगह छह मशीनें चलाई जा रही हैं। जलधारा से पानी को छीर करके बालू निकाली जा रही है, और अगर नियम की बात करें तो वो किसी भी सवाल से भागते नजर आए। इससे स्पष्ट होता है कि खनिज अधिकारी कहीं मोटी रकम लेकर के इन खनन माफियाओं के बीच में इन्वॉल्व है और किसी तरह का जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं। ट्रकों की अच्छा, यहाँ ट्रकों की लोडिंग करते हैं। अच्छा, तो आप लोग एक ट्रक लोडिंग करवाए कितना पैसा मिलता है? 10 टायरा की हम खुद 1750 मिलते हैं, और 12 चक्का के 2100 और 14 चक्का के 2450। और 10 टायरा में आप कितना लोड कर लेते हो? 10 टायरा में 500 फुट माल जाता है। 10 टायरा में 500 फुट माल। बांदा में घरेलू विवाद के चलते महिला ने कैन नदी के पुल से छलांग लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास। मछुआरों की मदद से महिला को कैन नदी से बाहर निकालकर डायल 100 पुलिस को सूचना दी, और महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या घटना हो गई आपको? घटना क्या है, हमारी दादी थी और ये आपस में दोनों झगड़ा किया है कि यहाँ का माहौल टूटा है, लड़ पड़े हैं। तो कल झगड़ा हुआ है, तो आज ये पहले मैं जा रहा हूँ गाँव मैके 4-5 दिन के लिए, और वहाँ से मैके नहीं गई, चली गई कैन नदी। कैन नदी टूट गई, दूसरे आदमी ने हमको कॉल किया कि आ जाओ, 100 नंबर लेकर गई यहाँ, तो हमको बुलाया था, गाँव चुका हम वहाँ तक गए थे। आत्महत्या करने गई थी उनके नदी जी, कैसे बच गई? कौन लाया वहाँ? 100 नंबर वाले लाया, पुलिस लाया। कौन थी आपकी पत्नी? पत्नी थी, क्या नाम है? श्याम। एक महिला आई है जो बता रहे हैं, उसके पति भी हैं, तो बता रहे हैं कि एक केन नदी से पुल से नीचे कूद गई है, और वहाँ से फिर पुलिस से लेके आई है, और हम लोग भर्ती कर दिया है, इलाज कर रहे हैं। उसके पति से बात हुई, बोला है कुछ थोड़ा आपसी झगड़ा हुआ था, झगड़े की वजह से उसने गुस्से में ये कदम उठाया है। अभी किस तरह की हालात है? अभी तो हालत गंभीर बनी हुई है, भर्ती कर दिया है उसको, इलाज चल रहा है। इस बारे में चूँकि मुझे नहीं पता है कुछ, और मतलब जानकारी मिली कि आपस में दोनों देवरानी जेठानी दोनों आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा किया, किसी बात को भी लेकर के हुआ होगा, क्योंकि ये घर में रह रही हूँ, और बस फिर आज मतलब ऐसी स्थिति हुई। अब पता नहीं, जानकारी तो ये मिली कि ये कूद गई पुल से जाके ऊपर से।